13 तारीख को मैं अपने कुछ गाँव से बल्लभगढ़ के लिए जा रहा था। तो जैसे ही मैं पुल के लिए ऊपर टर्न हुआ तो अचानक से दीपक सन ऑफ रतिराम, नरेंद्र सन ऑफ रतिराम, नवीन सन ऑफ अम्बीर और कुछ 4-5 लड़कों ने मिलकर के अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया बाइक पे बैठे बैठे ही। कितने जने थे तुम बाइक पे, कौन कौन थे? मैं सर अकेला था, तो उधर से मार्केट से मेरी मम्मी और मेरी बहन आ रहे थे। उन्होंने मुझे पिटते हुए देखा तो वो मुझे बचाने के लिए आए, तो हाथापाई मेरी मम्मी और मेरी बहन के साथ भी हो पाई। क्या किस तरह से हमला किया था, क्या हथियार था उनके पास? हथियार में सर उन्होंने पंच पहने हुए थे, एक लड़के पे चाकू भी था, मेरा चाकू चेस्ट पे लगा था, उस वक्त फोटो भी खींचे थे। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? सर 13 तारीख को वारदात होने के बाद हॉस्पिटल जाके MLR करा के हमने एप्लीकेशन किटवाड़ी पुल के नीचे पुलिस चौकी में दी थी, और कार्रवाई के लिए उन्होंने आश्वासन दे दिया था। लेकिन आज अभी तक 24-25 तारीख हो गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा लड़का मार रहे खूब जोर जोर से, हमने बचाया था, हमको खूब मारा उन्हें ठोकरन से लातन से, खूब मार लगाई हमें माँ बेटी में, हमारी लड़की की सब जी और फेवर ले गए, खींच के हमारे कुंडल भी खींच गए, पैसा है कुछ उन्हें भी ले गए लूट के, खूब मार धाड़ करी जी 13 तारीख को हमारे ऊपर। और जी हमें FIR दर्ज कराई, लेकिन हमारी FIR दर्ज अभी तक नहीं हुई है, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हमारे बारे में। क्या पुलिस ही नहीं की होगी, पैसे वाले की गरीब की कोई पुलिस नहीं है क्या, हमारे ऊपर क्यों नहीं कर रही कार्रवाई पुलिस? खुले आम गुंडे घूम रहे, हमें धमकी मिल रही है घर पे, हमें मारने के लिए घर आ रहे, मेरी बहू के पास में अस्पताल में पड़ी थी, उससे भी धमकी दे के गए, अगर आपने नहीं करा फैसला तो हम आपको मारेंगे, फिर इसी तरीके से मारेंगे, खुले आम धमकी दे रहे। वो एक तो वो है दीपक, उसको मैंने पकड़ लिया उसी टाइम, वो मार के भग गया, वो उसको खूब मारी मैं ठोकर लातन से मारी है। एक लड़का और है नवीन, इन्हीं के मुझे शकल पिछनी, बाकी लड़का सब इत भीत को भाग चुके मार पीट के, हमें खूब मार लगाई जी, हमें खूब मारे हैं उसने, हम माँ बेटी, पुलिस किसी प्रकार पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जी। 13 तारीख की घटना हम 3 बार 2 बार मंगला के पास हुई आई, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। सुभाष चौधरी के पास जाते पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है हाँ जी कर रहे हैं जी कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हमारी। बात ये थी जी, हमारी घरवाली बेटी गई थी बाजार सामान खरीदने के लिए, और लड़का स्कूल से छुट्टी करके आया था 3 बजे, वहाँ से मोटरसाइकिल उठाई, वो बड़ा भाई उसका पैसे दे गया था भाई इनको बैंक जमा करने हैं, तो वहाँ जाके पुल के नज़दीक जाते जाते उन्होंने ये पकड़ लिया है। 10-12 गुंडे थे, नकाब लगाए हुए थे, और उधर से हमारी घरवाली बेटी ने आई तो वही थ्रिलर से वहीं उतरते हैं, इन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने बचाने की कोशिश की, तो वो भी उन्होंने बहुत ठोकरों से जूतों से पंच पहन रखे थे, बढ़िया तरह खूब मारपीट करी है, सारे जो पहन रखा था जेवर सारा जेवर लूट के ले गए। ऊपर से हम हॉस्पिटल में पड़े थे, और पीछे से रवि और अरविंद धमकी दे के गए हमारे बड़े बेटे घरवाली को, बोल देना या तो इस फैसले कर लो, नहीं आपके तो छोड़ दिया, आपके जान से खत्म कर देंगे।